हमीरपुर जनपद के कुरारा में हाईवे में कस्बा के रामकृष्ण प्रश्नातक महाविद्यालय के सामने कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक में सवार दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें ब्लॉक प्रमुख ने अपने निजी वाहन से स्थानीय CHC में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है। कालपी हमीरपुर हाईवे में रामकृष्ण प्रश्नातक महाविद्यालय के सामने सोमवार को दोपहर 3 बजे हमीरपुर की तरफ से आ रही बाइक में पीछे से आ रही एक कार सवार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में सवार धीरज 22 वर्षीय व कोमल 12 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार की टक्कर लगने से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पास से गुजर रहे ब्लॉक प्रमुख आशीष पालीवाल ने अपनी गाड़ी से घायलों को स्थानीय CHC उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। तो वहीं यातायात के TSI हरविंद्र सिंह ने बताया कि कार की गति तेज थी, जिसके चलते यह घटना हुई है और चालक शराब के नशे में था। वहीं चालक की चेकिंग की गई तो चालक नशे में पाया गया, जिसके चलते यह घटना हुई। साथ ही बताया कि कार को सीज कर थाने में भेजा गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया कि ऐसे समय समय पर चेकिंग चला करके लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और यह प्रयास उनके द्वारा हमेशा किया जाता रहेगा। सुनो, इसमें मुकदमा और लिखवा दूंगा। अभी एक हमीरपुर साइड से एक रोनाल्ड केगर गाड़ी आ रही थी, 4-व्हीलर, और इधर से ये एक मोटरसाइकिल जा रही थी जो इंडियन ऑयल के पास कट पे, तो इसमें ये ओवर स्पीड भी थी और ये दारू पिए था, जिस वजह से ये मोटरसाइकिल इसमें टकरा गया और उसमें एक बच्ची जो बैठी थी मोटरसाइकिल पे, वो बच्ची जो गाड़ी के ऊपर जाके गिरी है, वो ऊपर वाले के शुक्र गुजार ऐसा कि बच्ची को किसी प्रकार की कोई ज़्यादा चोट क्षति नहीं हुई है और इसका भी जो टेस्ट किया गया है ब्रीथ एनालाइजर के द्वारा, तो इसकी नशे की 93.1 डिग्री आई है और अभी इसके थाने को बता दिया गया है, गाड़ी थाने में जा रही है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।